हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरीके से ये जो राष्ट्रवादी फीलिंग है, ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है इंडियंस में, कैसे राइज करती है। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस नेशनलिज्म की फीलिंग के थ्रू भी और पर्सनल कॉज की वजह से एसोसिएशंस बनाए जाते हैं, तो कुछ नेशनलिज्म की ट्रू फीलिंग की वजह से बनाए जाते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग वहीं देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पिछली वीडियो का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियो, वो प्लीज़ जाके देख लें, ताकि उनको यहाँ पे थोड़ा सा और रेलेवेंट लगेगा। हम लोग थोड़ा सा उसका रिकैप ले लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो नेशनलिज्म के राइज के जो कॉज हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि पहला तो होता ये है कि डिफरेंस होता है। किस चीज़ का डिफरेंस? इंटरेस्ट का। इंडियंस और ब्रिटिशर्स में इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। इंडियंस कुछ और चाहते हैं, ब्रिटिशर्स कुछ और चाहते हैं, और इसकी वजह से भी ये चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती, और इंडियंस इसलिए एक यूनाइट होकर के नेशनलिज्म की फीलिंग इनके अंदर राइज होती है। ठीक है, फिर एक आता है वेस्टर्न एडुकेशन। तो वेस्टर्न एडुकेशन में क्या है, इंडियंस को जब वेस्टर्न एडुकेशन मिलती है तब उनको पता लगता है कि बाहर के फिलोसफर्स और जो थिंकर्स हैं वो क्या सोचते हैं, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्वराज, ये सब क्या होता है। उनको इस चीज़ इन सब वेस्टर्न एडुकेशन से सब पता लगता है, और वो लोग सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें उनके लिए भी होनी चाहिए। तीसरा है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से मतलब है कि समाज में और धर्म में, इन दोनों जगहों पर जो रिफॉर्म चल रहे थे उन सभी के ऊपर जो मूवमेंट्स हैं उसके लिए मूवमेंट चलाए जा रहे थे। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती, ये लोग जो है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चलाते थे। अब साथ ही साथ प्रेस भी जो है वो भी, और जो जर्नल्स हुआ करते थे, न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे उस टाइम के, लिटरेचर और प्रेस, वो लोग जो हैं क्या करते थे कि ब्रिटिश के जो पॉलिसीज़ हैं उनको क्रिटिसाइज़ करते थे, और जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स हैं यानी कि नेशनलिज्म की जो भावना है वो लोगों में जगाए रखने के लिए वो जो है छापते थे वैसी चीज़ें, ताकि लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग जगी रहे। इंडिया के पास्ट को ग्लोरीफाई किया गया एक यूनिटी की फीलिंग लाने के लिए, कल्चरल यूनिटी की। एडुकेटेड मिडिल क्लास जो है वो पढ़ा लिखा था, तो उसको पता था क्या क्या राइट्स होते हैं, और हमारे पास भी ऐसे राइट्स होने चाहिए। और उसी तरीके से जो वर्ल्ड में उस टाइम पे जो मूवमेंट्स चल रहे थे आज़ादी के, और जो एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स है यानी कि जो राजा वजा मोनार्ची और ये जो डिस्पोटिक रूलर्स होते थे, राजाओं को हटाने के लिए जो मूवमेंट चल रहे थे बाहर के वर्ल्ड में, इम्पेर साम्राज्यवाद को हटाने के लिए जो मूवमेंट चल रहे थे, उनसे भी जो इनका इम्पैक्ट हुआ वो इंडियंस पे हुआ, और वो भी चाहते थे कि वो भी अब एक नेशनल मूवमेंट चालू करें ताकि जो है इंडिया में भी आज़ादी आ सके। अब ये जो इंडियंस हैं ये सारे के सारे इंडियन जो हैं वो यूनाइट हो गए थे अगेंस्ट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट यूनियन इंडियन सारे के सारे यूनाइट हो चुके थे, और इस वजह से भी जो है हमें देखने मिलता है नेशनलिज्म की फीलिंग राइज होती है। रिएक्शनरी पॉलिसीज जो थी ब्रिटिश इंडिया की वो भी, और जो रेशल एरोगेंस था रूलर्स का, मतलब कि हम गोरे हैं और हम तुमसे ज़्यादा सुपीरियर हैं रेस में, और एडमिनिस्ट्रेशन में हम तुमसे बेटर हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं दिखती थी, और कहीं ना कहीं इंडियंस को बहुत बुरा लगता था। तो उसकी वजह से भी एक कॉमन यूनिटी की फीलिंग आई और नेशनलिज्म की फीलिंग राइज होती है। तो आगे चलते हैं, जो हमारा मेन वीडियो है यानी कि जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं बंगाल में कैसे बनी वो, और उसके बाद मद्रास और बॉम्बे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मेन वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसमें बंगाल में आ गए हैं हम, बंगाल के पॉलिटिकल एसोसिएशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए, सारी सारी डेट्स देख लीजिए आप, 1836, 1836, 1843, 1866, 1875, 1876, ये सारी सारी डेट्स जो हैं ये कांग्रेस के स्थापन की तिथि से पहले के हैं। कांग्रेस जो है 1885 में आई थी, और ये 1876, 1875, ये सब सब कांग्रेस के पहले की हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो पहला एसोसिएशन आता है वो है बांग भाषा प्रकाशिका सभा। बांग भाषा प्रकाशिका सभा ये कब आई थी? ये आई थी 1836 में, ये आई थी 1836 में। और जो है इसे किसने स्थापित किया था, इसको स्थापित किया था एसोसिएट्स ने। किसके एसोसिएट्स थे वो? तो वो एसोसिएट्स थे राजा राम मोहन रॉय के। एसोसिएट्स का मतलब होता है फॉलोअर्स। तो यहाँ पर जो है जो भी लोग फॉलो करते थे राजा मोहन रॉय को, उन्होंने मिल करके आपस में 1836 में इस एसोसिएशन को बनाया, जिसका नाम है बांग भाषा प्रकाशिका सभा। तो जो दूसरी एसोसिएशन हमें देखने मिलती है वो है ज़मींदारी एसोसिएशन, जिसको लैंडलॉर्ड सोसाइटी या फिर लैंड होल्डर्स सोसाइटी भी बोलते हैं। ये भी 1836 में पाई गई थी।
इसकी स्थापना भी 1836 में हुई थी। इसको लैंडलॉर्ड के ग्रुप ने जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी, इसको फाउंड किया था। अब इसके बाद जो है ये जो एक चीज़ इसमें देखने वाली है कि जो ज़मींदारी एसोसिएशन है, इसकी एक ख़ास बात ये थी कि ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है थी ये ऐसी पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स यानी कि संवैधानिक तरीक़ों से नियमों के कायदे और कानून में रहते हुए जो है अपने प्रॉब्लम के बारे में बताया, अब प्रोटेस्ट किया या फिर जो भी किया वो सब कुछ अपने इन्होंने नियमों के कानून के नियमों और कानून के अंदर रहते हुए इन्होंने जो है सारी की सारी चीज़ें कैरी आउट की। इनके सारे के सारे जो भी पिटिशन्स होते थे, ये प्रेयर्स करते थे, इनका यही सब तरीका था जो कि अर्ली मॉडरेट्स का हमें देखने मिलेगा आगे जब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल कांग्रेस अगली वीडियो में। इसको हम देखते हैं, अगला जो देखने मिलता है वो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अब ये देखिए, ये एक ऐसी सोसाइटी है जो 1843 में बनाई गई थी, ठीक है। अब इसका मेन मकसद क्या था? इसका मकसद था कि ये डाटा कलेक्ट करेगी। किस टाइप का डाटा? देखिए, डाटा कलेक्ट तो कर लेगी लेकिन किस टाइप का डाटा? तो ये डाटा कलेक्ट करेगी उन उसके बारे में जो कि एक्चुअल कंडीशन है इंडियंस की, जब 1843 के अराउंड के टाइम में या फिर उसके आगे के टाइम में जो एक्चुअल कंडीशंस थे इंडियन की, उसके बारे में डाटा कलेक्ट करेगी और उसे डिसेमिनेट करेगी। डिसेमिनेट का मतलब होता है फैलाना या प्रोपेगेट करेगी लोगों को, या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताएगी कि ये जो है हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स है, ये हमारे यहाँ कंडीशंस हैं लोगों की, तो आप इसके लिए कुछ रिफॉर्म लाइए, आप इसके लिए इस रिलेटेड इससे कुछ करिए ताकि जो है लोगों का भला हो सके। तो यही सब जो है इसका काम था। ये मेनली जो है लोगों के इंटरेस्ट को एडवांस करती थी गवर्नमेंट के सामने, उनके सामने रखती थी। अब एक जो चौथा आता है वो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कोई सेपरेट एसोसिएशन नहीं था, इसका नाम बस चेंज हो गया है। ये ज़मींदारी एसोसिएशन जो यहाँ पे आपने अभी देखा है, ये वाला ज़मींदारी एसोसिएशन, और ये जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये जो एसोसिएशन है ये वाला, ये दोनों एसोसिएशन मर्ज हो जाते हैं। कब मर्ज होते हैं? ये मर्ज होते हैं 1851 में, और 1851 में मर्ज होने पर ये लोग जो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नाम का एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इसका जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, इसका एक जो खास बात हमें देखने मिलेगा वो ये है कि इसने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मीन ही इस्तेमाल किए। इसने क्या किया? इसने मेनली जो है एक पटिशन भेजा था। इसका जो एक मेन काम है वो ये है, इसने एक पटिशन भेजा था ब्रिटिश पार्लियामेंट को, अंग्रेज़ों की संसद में एक पटिशन भेजा था ये बोलते हुए कि सर देखिए जो है हमारा कुछ सजेशंस हम दे रहे हैं, आप इसको प्लीज़ अपने जो अगला चार्टर एक्ट आने वाला है उसमें इंक्लूड करें। तो उन लोगों ने जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में आपने सुना होगा, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में इनके सजेशंस जो हैं मान लिए जाते हैं। किसके सजेशंस? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन या फिर ज़मींदारी, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, तो इनके एसोसिएशन की जो सजेशन है वो मान लिए जाते हैं। उनमें से कुछ ही माने जाते हैं, पार्शली एक्सेप्टेड होता है, पूरा नहीं माने जाते पर कुछ ही माने जाते हैं। इनके सजेशन क्या होते हैं? इनका सजेशन होता है कि एक सेपरेट लेजिस्लेचर जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाए, जिसमें जो लोग आए वो इलेक्ट होकर के आए, ना कि नॉमिनेट किया जाए या फिर कोई ऑफिशियल मेम्बर हो, तो ऐसा ना हो, ऐसा इसमें बोला गया। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने सजेशन दिया, पहला सजेशन। दूसरा सजेशन ये था कि जो एग्जीक्यूटिव है और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन को और जुडिशियल फंक्शन को, दोनों को अलग रखा जाए। उस टाइम पे क्या होता था कि जो एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंडिया में, वो जो है जुडिशियल फंक्शंस भी कैरी आउट कर लेते थे, मतलब कि खुद ही लॉ बनाया, खुद ही एग्जीक्यूट किया, और सॉरी लॉ लॉ तो बन के आता था लेजिस्लेचर से, लेकिन लॉ जो है उसे खुद ही एग्जीक्यूट करते थे, और उसके ऊपर अगर कोई फ्लॉ आता था फिर किसी ने उसको जो है लॉ का हनन किया तो जो है उसको सजा भी खुद ही देते थे। तो उनका कहना था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल फंक्शन को अलग किया जाए, ठीक है। और उसके बाद जो है एक और जो उनका ये था कि जो हायर ऑफिसर्स हैं ब्रिटिश इंडिया के, जिनकी रैंक हाई है, उनके जो सैलरी है उनको कम किया जाए, क्योंकि ये सब कुछ जो है इंडियन रेवेन्यू पे चार्ज होता था। इंडियन रेवेन्यू यानी कि भारत के खजाने से सारा पैसा जाता था। अब क्योंकि वो जो हाई ऑफिसर्स हैं वो सबके सब ब्रिटिशर होते थे, तो एक तरीके से भारत का पैसा जो है ब्रिटेन में जा रहा था। और ये इसके लिए भी जो इन्होंने बोला कि सारी की सारी ड्यूटी, उनमें से सारी की सारी नहीं, कुछ तीन चार ड्यूटी हैं, जैसे कि सॉल्ट ड्यूटी, जैसे कि नमक पे जो टैक्स लगाते हैं, स्टैम्प ड्यूटी, अबकरी, ये सारे जो हैं इनको एबॉलिश कर दिया जाए। तो बहुत ज़रा सा इनका बात माना गया, पार्शली एक्सेप्ट कर लिया गया इनका चीज़। तो 1853 के चार्टर एक्ट में जो आया था उसमें ये था कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होगी, उस गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो है हमें देखने मिलेगा कि सिक्स एडिशनल मेंबर्स जो है हमें देखने मिलेंगे वहाँ पे। सिक्स एडिशनल मेंबर्स यानी कि प्लस सिक्स जो पहले थे उससे ज़्यादा हो जाते हैं, जितने भी थे मान लो, तो उसमें प्लस सिक्स हो जाते हैं, मतलब कि जो इंडियन मेंबर्स हैं वो छः आ जाएंगे उसमें एक्स्ट्रा, इन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में। अब इसमें जो है ये सारा का सारा लेजिस्लेटिव पर्पजेस के लिए था।
अब अगला जो एसोसिएशन हमें देखने मिलता है वो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अब ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है ये, इससे इसको मिस्टेक ना करिएगा, ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है। और ये फाइंड की गई थी 1866 में, और ये कहाँ पे फाइंड की गई थी, ये फाइंड की गई थी लंदन में बाय दादा भाई नौरोजी। ये दादा भाई नौरोजी एक आगे चल के इंटरनेशनल कांग्रेस के एक मॉडरेट लीडर बनने वाले हैं, बहुत रिस्पेक्टेड रहेंगे ये। खैर, ये जो लंदन है, लंदन में फाउंडेशन हुई, पर हम लोग बंगाल के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस थी वो इंडिया के प्रोमिनेंट सिटीज़ में भी थी, जिनमें बंगाल एक ऐसी प्रेसिडेंसी थी जहाँ पे इसके ब्रांच लगाई गई थी। दादा भाई नौरोजी का बस ये सपना था कि किसी तरीके से ब्रिटेन के लोगों का ये मत जीत लिया जाए, ये उनको इस तरीके से मना लिया जाए कि उनकी सरकार को भी वो मना पाएँ कि इंडियन के वेलफेयर में रिफॉर्म्स लाए जाएँ। और अगला आता है द इंडियन लीग। इंडियन लीग में क्या था, इनको इस्टेब्लिश किया था शिशिर कुमार घोष ने 1875 में, ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई जा सके और उनको पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर एडुकेट किया जा सके कि कैसे लोगों को मोबिलाइज करना है, कैसे पॉलिटिकल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना है, ये सब। फिर आता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जो कि 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने मिल करके इस्टेब्लिश किया, ताकि एक स्ट्रांग पब्लिक ओपिनियन बनाया जा सके पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे, और यूनियन को और इंडियंस को जो है यूनिफाई किया जा सके, उनको एकजुट किया जा सके एक पॉलिटिकल प्रोग्राम में। इन्होंने जो है इसी तरीके से इसको फॉलो करते हुए इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के अंडर जो 21 से 19 कर दिया जाता है एज लिमिट, उसके खिलाफ एजिटेशन किया था। और इन्होंने एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस भी करवाया जो 28 to 30 दिसंबर चला 1883 में, जिसमें ऑल ओवर द इंडिया के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। हम देखेंगे कि किस तरीके से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके अंदर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी, जिसको हम लोग इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं, वो मिल जाएगा आगे चल करके। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो हैं कांग्रेस में बाद में एक मॉडरेट लीडर के रूप में हमें दिखेंगे। ये जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी, ये जमींदारी एसोसिएशन जब ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में मिल गया था, तो उसकी प्रो लैंडलॉर्ड पॉलिसीज़, यानी कि लैंडलॉर्ड के दिमाग में रखते हुए जो वो लोग पिटीशन भेजते थे, उनकी जो पॉलिसीज़ थी उससे वो बहुत ज़्यादा खफा थे, और इसलिए उन्होंने ये नई अपनी फाउंडेशन बनाई इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। तो फ्रेंड्स, हमने ये तो देख लिया कि कौन कौन सी एसोसिएशंस बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में थी। तो चलिए इसी बात पे ये भी देख लेते हैं कि उनके कैंपेन करने के रीज़न क्या थे, उनके गोल क्या रहे उनके एसोसिएशन बनाने के बाद। तो उन एसोसिएशंस के जो मेन रीज़न रहे हैं बनाए जाने के, और उनके जो एजिटेशन हुए हैं, जो कैंपेन उन्होंने चालू किए, वो सारे के सारे इसमें देखते हैं। पहला तो उनका एक पहला उन्होंने क्या किया, उनकी डिमांड थी, उन्होंने कैंपेन किया कि इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन, कॉटन के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाया जाए। ये क्यों? देखिए, भारत में अंग्रेज़ों के बनाए हुए कपड़े आते थे जो कि बहुत सस्ते बिकते थे, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था और मास स्केल पे वहाँ पे कपड़े बनते थे। तो यहाँ पर जब वो सस्ती चीज़ें आती थी तो हिंदुस्तानियों का बनाया हुआ कोई कुछ खरीदता नहीं था, सब अंग्रेज़ों का बनाया हुआ खरीदते थे। तो इससे क्या होता था कि भारत का पैसा भारत में ना रह करके अंग्रेज़ों के पास जा रहा था, अंग्रेज़ों के देश इंग्लैंड जा रहा था। तो इसलिए बोला गया कि अब भारत में कि अब से भारत में कॉटन का बड़ा बना हुआ कोई भी कपड़ा आएगा तो उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी जाए। तो इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होता है कि जब कोई सामान इम्पोर्ट होगा तो उसके ऊपर टैक्स लग जाता है कि इतना टैक्स लगेगा इतना सामान इम्पोर्ट होने पे। तो वो सामान जो है भारत में महंगा बिकता, तब एक कॉम्पिटिशन जैसी चीज़ बची रहती, वरना ऐसे तो एकदम से कॉम्पिटिशन सब खत्म हो जाता है और भारतीय व्यापारी का नुकसान पे नुकसान होता चला जाता था। तो इसलिए भी जो है इस चीज़ की मांग की जा रही थी। फिर बोला जा रहा था कि जो है गवर्नमेंट सर्विस का इंडियनाइजेशन हो जाए, मतलब कि गवर्नमेंट सर्विस में जो मैक्सिमम पोस्ट हैं उनमें सिर्फ इंडियन ही हो, इसके लिए बोला जा रहा था। और फिर बोला जा रहा था कि जो लिटन है, लिटन के अफगान एडवेंचर के अगेंस्ट इंडियंस के ग्रुप्स ने कम्पेन किया। अफगान एडवेंचर क्या है, लॉर्ड लिटन जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने अफगानिस्तान पे अटैक किया था। तो अफगानिस्तान से हुई लड़ाई में जो भी खर्चा आया वो भारत के कोष से गया, यानी कि भारत का खजाना, भारत के खजाने में से उसका पैसे खर्चे हुए उस लड़ाई को लड़ने में, जहां लोग दूसरी तरफ भुखमरी से मर रहे थे, वहां पे लिटन लिटन का जो अफगानिस्तान का एडवेंचर यानी कि जो लड़ाई थी उसमें कुछ ज़्यादा ही पैसे चले गए। तो उसके लिए भी जो है उसके अगेंस्ट में जो है कैंपेन चलाया गया बाय द प्री कांग्रेस एसोसिएशंस। तो ये भी देखने वाली चीज़ है। फिर
आर्म्स एक्ट के अगेंस्ट में भी प्रदर्शन हुआ, उनके खिलाफ जो है अपोजिशन उसको किया गया। आर्म्स एक्ट में क्या था कि कोई भी इंसान, कोई भी जो इंडियन है वो हथियार नहीं रख सकता इलीगल तरीके से, ठीक है। और लीगल बनाने का तरीका इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था आर्म्स एक्ट में कि अब कोई इस हिसाब से देखा जाए तो कोई इंसान हथियार रख ही नहीं सकता जो इंडियन हो। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट इसलिए कर रही थी ताकि जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं उनको रोका जा सके, लेकिन इंडियंस ने इसको बहुत तगड़ा विरोध किया। खैर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था कि प्रेस पे प्रतिबंध लगाई जा रही थी, तो उसके खिलाफ जो है कंपेन हमें देखने मिलता है। और फिर आता है राइट टू ज्वाइन वॉलेंटियर कॉप्स। वॉलेंटियर कॉप्स क्या होते हैं? वॉलेंटियर कॉप्स वो एक टाइप की सेल्फ डिफेंस पुलिस होती है। तो उसको ज्वाइन करने के लिए इंडियन एक राइट समझ रहे थे कि वो हमारा राइट होना चाहिए कि हम उसको ज्वाइन करें ताकि हम भी अपने सपोर्ट में इन्वेजन से अपने अपनी रक्षा कर सकें और सेल्फ डिफेंस में अपनी चीज़ें हथियार भी उठा सकें। तो उसके लिए भी राइट मांग रहे थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट देना नहीं चाहती थी। एल्बर्ट बिल के सपोर्ट में थे। एल्बर्ट बिल मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। एल्बर्ट बिल में इंडियन जजेस को प्रिविलेज दिया जा रहा था कि आप यूरोपियंस को भी प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, बट इसे लाने नहीं दिया गया। आप इसके बारे में डिटेल जानने के लिए पिछला वीडियो देख सकते हैं जो बिगनिंग ऑफ नेशनलिज्म पे है। ये एक प्लांटेशन लेबर के अगेंस्ट है। इंडियंस को जो है ज़बरदस्ती उनसे उनके फील्ड्स पे इंडिगो को प्लांट करवाया जाता था। ऐसे कॉमर्शियल क्रॉप्स प्लांट करवाए जाते थे जो कि इंडियंस कभी प्लांट करना नहीं चाहते थे क्योंकि उससे कमाई उनको बहुत कम होती थी, क्योंकि अंग्रेज़ तो महंगा बेचते थे लेकिन प्लांटेशन लेबरर्स को बहुत कम पैसा देते थे उनके डेली बेसिस के लिए। तो उसके प्लांटेशन लेबर के अगेंस्ट में जो है कंपेन किया। अंग्रेज़ों के खिलाफ पॉलिटिकल एजिटेशन के लिए फ़ंड जुटाया जा रहा था। एक ऑल इंडिया फ़ंड, मतलब पूरे इंडिया से मिल करके फ़ंड जुटाया जा रहा था और कैंपेन चलाया जा रहा था ब्रिटेन में टू वोट फॉर प्रो इंडिया पार्टी। प्रो इंडिया पार्टी से क्या मतलब है? ब्रिटेन में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अगर वो इंडिया को सपोर्ट करती हैं तो वहाँ पर वहाँ के लोग ऐसा ऐसे बताना, ऐसा उनके अंदर ओपिनियन लाना कि इंडिया के लिए आपको इंडिया के वेलफेयर के लिए आपको गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करना चाहिए। तो जब अगर वहाँ के लोग चाहेंगे कि इंडिया का वेलफेयर हो तो वहाँ की गवर्नमेंट भी उसी चीज़ पे वोट लेगी, और जब उस चीज़ पे वोट लेगी तो गवर्नमेंट का बर्ताव इंडिया के लिए लिबरल होगा और इंडिया में भी रिफॉर्म्स आएंगे। जैसा कि हमने देखा था कि दादा भाई नरोजी हैं उन्होंने भी यही चीज़ की थी। दादा भाई नरोजी ने 1866 में अपनी ऑर्गेनाइजेशन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को लंदन में बनाया और इसी मकसद से बनाया था जो कि ये 10th पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। 11th पॉइंट में रिडक्शन इन एज लिमिट ऑफ सिविल सर्विसेज के बारे में दिया हुआ है। वही 21 से 19 कर देते हैं, जो इसको इंडियन सिविल सर्विसेज एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए जो जिस एसोसिएशन ने एजुकेशन किया था उस एसोसिएशन का नाम था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जो कि 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाई थी। तो इसका नाम याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि 1876 में बनाई गई थी ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ठीक है। तो यहीं से है कुछ, और जो है बाकी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से उसमें आगे विचारधाराएं बदल जाती हैं मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में।